हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और आप सबकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज इस सेशन में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे रिमाइंडर थ्योरम अर्थात शेषफल प्रमेय। इस सेशन में हमने जो क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं वो रिमाइंडर थ्योरम के सबसे बेहतरीन क्वेश्चन हैं और इसी तरह के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं रिमाइंडर थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, सेशन स्टार्ट करने से पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दो जिससे कि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, यदि किसी संख्या को 21 से विभाजित किया जाता है तो शेष 13 बचता है। यदि इस संख्या के वर्ग के तिगुनों को उसी भाजक से विभाजित किया जाता तो शेषफल क्या होता। ठीक है, तो देखिए, हमने कल आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था पिछले लेक्चर में कि जो भी एक्टिविटी संख्या के साथ परफॉर्म होती है वही एक्टिविटी आपको शेषफल के साथ लगा देनी है। तो यहाँ पे संख्या का वर्ग हो गया और तिगुना हो गया, शेष कितना था 13, तो शेष भी संख्या का ही हिस्सा होता है। तो आप क्या करो, संख्या का वर्ग कर दो तो शेष का वर्ग हो जाएगा, तो शेष का वर्ग कर दो और 3 से गुना कर दो। किससे भाग देना है, 21 से भाग देना, तो 21 से भाग दे दो। तो ये कितना हो जाएगा, 169 इंटू 3 और डिवाइडेड बाय 21। अब 169 इंटू 3 करेंगे, 21 से भाग दे देंगे तो आपका रिमाइंडर आ जाएगा। आप ऐसा भी कर सकते हो, यहाँ पे काट दो, 3 एकम 3, 30 7 21। अब 7 से इसमें भाग दो तो 7 2 14, 2 बचे 28, तो आपका रिमाइंडर कितना आ रहा है भैया, इस हिसाब से आपका 1 आ रहा है। लेकिन ध्यान दें, आपने यहाँ 3 से भाग दे दिया था तो ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो रिमाइंडर कितना आ गया, 3 आ गया। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या भैया बात समझ पा रहे हैं आप। ठीक है जी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जब किसी धन पूर्णांक को डी से विभाजित करते हैं तो शेषफल 15 प्राप्त होता है। जब उसी संख्या के 10 गुने को डी से विभाजित करते हैं तो शेषफल 6 प्राप्त होता है। डी का न्यूनतम संभव मान क्या है। क्या बोला, डी का न्यूनतम संभव मान क्या है। तो देखो, किसी संख्या, पता नहीं संख्या कौन सी है, उसको आपने डी से विभाजित किया तो रिमाइंडर कितना आ गया भैया, रिमाइंडर 15 आ गया। इसके 10 गुने को, तो 10n को आपने d से विभाजित किया तो रिमाइंडर कितना आ गया भैया, तो रिमाइंडर 6 आ गया। जो भी एक्टिविटी हम संख्या के साथ परफॉर्म करते हैं वही एक्टिविटी हमें क्या करना है, रिमाइंडर के साथ परफॉर्म कर देना। 10 गुना संख्या का हो, शेष का 10 गुना कर दो, तो 10 15 150। अब 150 में d से भाग दिया तो भैया रिमाइंडर कितना आया, रिमाइंडर 6 आया। इसका मतलब इसमें से जो 144 बचा वो पूरा कट गया भाई, 150 में भाग दिया डी से तो 6 रिमाइंडर है, यानी 144 क्या हो गया, डिवाइड हो गया, 144 क्या हो गया, डिवाइड हो गया। अब ध्यान देना, रिमाइंडर यहां कितना है, 15 है, यहां 6 है। हमेशा जो भाजक है शेषफल से बड़ा होता है, अगर शेष 15 है तो भाजक 15 से बड़ा होगा। तो अब भाजक कौन होगा, भाजक होगा 144 का गुणनखंड, तो 144 के जितने भी गुणनखंड हैं वो डी की वैल्यू पॉसिबल है। ठीक है, अब यहां पे उसने कहा डी का न्यूनतम संभावित मान, तो भैया डी 144 किसके से कटता, ऑप्शन पे जाओ, 9 से नहीं कटता है, 18 से नहीं कटता, दो ऑप्शन है, या तो 16 से कटेगा या 12 से, लेकिन 12 आंसर नहीं हो सकता क्योंकि 12 15 से छोटा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। तो इसकी जो डी की जो मिनिमम वैल्यू है, डी की जो मिनिमम वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है, उसने मिनिमम वैल्यू पूछी थी, क्लियर भैया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
धनात्मक पूर्णांक एन को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 आता है। निम्न में से कौन सी संख्या 7 से विभाजित होने पर शेषफल 0 देगी? अब ध्यान देना, संख्या में हम 7 से भाग दे रहे, किसमें? एन में, तो शेष कितना आ रहा है? तो शेष 2 आ रहा है। अगर 2 को 7 से कटने वाला बनाना है तो 5 जोड़ना पड़ेगा, तो संख्या में 5 जोड़ दो, तो संख्या हमारी एन है, तो भैया हम एन में क्या करेंगे, 5 को ऐड कर देंगे, तो संख्या क्या आ जाएगी, एन प्लस 5। तो कौन सा ऑप्शन? दूसरा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, दूसरा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो संख्याएं अलग अलग 33 से विभाजित होने पर क्रमशः 21 और 28 शेषफल देती हैं। यदि दोनों संख्याओं का योग 33 से विभाजित किया जाता तो शेषफल क्या आएगा? तो यहां ध्यान दें, दो संख्याएं अलग अलग 33 से, ठीक है, तो पहली संख्या मान लेते पर एन वन, इसको 33 से भाग दिया। दूसरी संख्या मान लेते एन टू, इसको 33 से क्या किया, भाग दिया। क्रमशः शेषफल, तो इसमें भाग दिया तो शेषफल कितना आ गया, शेषफल 21 आ गया, और इसमें भाग दिया तो शेषफल कितना आ गया, रिमाइंडर कितना आ गया, तो रिमाइंडर 28 आ गया। अब संख्याओं का योग कर दिया और 33 से भाग दिया, तो संख्याओं का योग किया तो रिमाइंडर का क्या कर दो योग, तो 21 प्लस 28 और डिवाइडेड बाय कितना, 33। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये 49 हो जाएगा, 33 से भाग दो, 33 से कम, 33 49 में से 33 क्या कर दो माइनस, तो कितना हो जाएगा, 16। तो क्या आंसर, 16। तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा आपका, 16 है आपका रिमाइंडर आ जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर भैया? देखिए, बता दें P एक आभास संख्या, P क्या है, P एक प्राइम नंबर है, P क्या भैया, P एक आपका प्राइम नंबर है, P क्या है, एक प्राइम नंबर है, P एक अभाज्य संख्या है, P एक अभाज्य संख्या है जो कि 3 से बड़ी है, क्या है, 3 से बड़ी है, तो P स्क्वायर प्लस 19 को 12 से भाग विभाजित किया जाता है। अरे भैया 3 से बड़ी है तो P आप क्या लिख सकते हो, P आप 3 से बड़ी है जब, तो आप 5 ले लो, P 7 ले लो, है ना, 11 ले लो, 13, ऐसा कोई भी नंबर रख दो आप इस फॉर्मेट में, 12 से भाग दे दो, तो सरलता के लिए हम छोटा वाला ले लेंगे भैया, तो पी स्क्वायर प्लस 19 डिवाइडेड बाय 12, हमने पी की वैल्यू 5 रख दी, तो 5 स्क्वायर प्लस 19 डिवाइडेड बाय 12, 25 प्लस 19 डिवाइडेड बाय 12। ठीक है जी, ये कितना हो जाएगा, 9 5 14, हाँ से लेक 44 बटे कितना 12, ठीक है जी, 12 या 36, कितना 8 रिमाइंडर, तो शेष कितना आ गया, 8 शेष आ गया। ठीक है जी, तो कौन सा ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या बात, समझ पा रहे हो आप? ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब धनात्मक संख्या x, y और z को 31 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 17, 24, 27 बचते हैं, तो 4x माइनस 2y प्लस 3z को 31 से भाग दिया जाए तो प्राप्त शेषफल क्या होगा? ध्यान दीजिए, आपको करना क्या है, 4x माइनस 2y और प्लस 3z में 31 से डिवाइड करना है। तो जो भी एक्टिविटी हम नंबर के साथ परफॉर्म करते हैं वही शेषफल के साथ परफॉर्म कर देना है, संख्या का 4 गुना, संख्या का 2 गुना, संख्या का 3 गुना, तो हम क्या करेंगे, शेषफल का 4 गुना, शेषफल का 2 गुना और शेषफल का 3 गुना। तो x की वैल्यू भैया हम क्या रख देंगे, 17, तो 4 गुणे 17 है, यहाँ 24, तो 2 गुणे 24 प्लस 3 गुणे 27 डिवाइडेड बाय क्या, 31, 17 चौके 68, 24 दूनी 48, 27 तीय 81 बटे 31। ठीक है, 68 में से 48 गए 20, 20 81 101, तो 101 में क्या करो, 31 से भाग दे दो। ठीक है जी, तो 101 में 31 से भाग दो, 31 तीय 93, ठीक है, तो रिमाइंडर कितना बचा भैया,
सात और एक आठ, तो कौन सा ऑप्शन आठ हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, आठ हमारा आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है जी। नेक्स्ट धनात्मक संख्या ए बी को 13 से विभाजित किया जाता है तो क्रमशः 9 7 यहां पे सी होगा। ठीक है जी, ए बी और सी को 13 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्रमशः 9 7 10। अब देखो यहां पे क्या हुआ, ए प्लस टू बी प्लस फाइव सी की वैल्यू पूछी आपसे, क्या पूछी, ए प्लस टू बी और प्लस फाइव सी को क्या कर रहा, 13 से डिवाइड कर रहा। तो भैया संख्या में जो वीक एक्टिविटी करी वही हम शेषफल में करेंगे तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9, टू बी तो 2 इंटू कितना 7 प्लस 3 सी 5 सी तो 5 इंटू कितना 10 और डिवाइड किससे करना है 13 से। ठीक है जी, तो 9 2 7 14 और ये 50। ठीक है, 50 60 9 4 13 73 बटे कितना 13। अब 73 से 13 में भाग दीजिए भैया, 13 अपना 65 5 और 3 8 तो क्या आ जाएगा रिमाइंडर, तो रिमाइंडर पूछा 8 तो शेषफल जो है 8 आ जाएगा। क्या है जी शेषफल कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, कितना शेषफल 8। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि संख्या एन को दो अंकों की भाजक डी, क्या अब उसने एक शब्द बोल दिया दो अंकों की भाजक, क्या जी दो अंकों के भाजक, तो अगर दो अंकों का भाजक यानी संख्या दो अंक की होगी तो डिविजर होगा दो अंक का होगा किया जाता है तो शेष 68 बचता। अब देखो शेष अगर 68 है तो उत्तर 68 से बड़ा होगा, उत्तर 68 से बड़ा होगा डिविजर। यदि पांच अंक को डी से विभाजित किया जाता है तो शेष 8 बचता है तो डी का मान क्या है, तो ध्यान देना अपन क्या करते हैं, संख्या एन है, देखो एन है, एन को डी से डिवाइड करा तो शेष कितना आया भैया, शेष कितना आ गया, शेष आ गया 68। अब संख्या के पांच गुना यानी 5n को डी से डिवाइड करा तो शेष कितना आ गया, तो शेष 8 आ गया। अगर संख्या का पांच गुना करा तो हम शेष का भी पांच गुना करेंगे तो यहां शेष कितना बचा, 68 बचा। तो अपन क्या करते हैं 68 का पांच गुना करते हैं और डी से डिवाइड करते हैं, 45 35 340 डिवाइडेड बाय डी। ठीक है, अब जब डी से 340 में डिवाइड करेंगे तो शेष 8 बच रहा है, अगर शेष 8 बच रहा है तो इसका मतलब ये है कि 332 प्लस 8 ये हमारा रिमाइंडर बच रहा है तो ये वाला हिस्सा कट रहा होगा, ये वाला हिस्सा कट रहा होगा, 332 जो है उस डी से कट रहा है तो कहीं ना कहीं जो आंसर होगा वो 332 से गुणनखंड होगा तो इसका एक गुणनखंड क्या है 2 गुणे 2 कम 2 छक्के 12 2 छक्के 12। अच्छा स्क्वायर क्या लिख सकते 2 गुणे 2 दो अट्ठे 16 दो तीय 6। अब 83 अभाज्य संख्या है इससे आगे नहीं जाएगा ये, यानी दो अंक की केवल एक ही गुणनखंड है इसका वो है 83। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 83, यानी वो संख्या जो है दो अंक की 83 है जिससे भाग देंगे तो शेष 68 आएगा और शेष 8 भी बचेगा पांच गुना में भाग देंगे तो। ठीक है जी भैया, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। जब किसी संख्या को भाजक डी से विभाजित किया जाता है तो शेष 10 बचता है, एन स्क्वायर को डी से भाग देते हैं तो शेष 4 बचता है, तो डी के कितने मान संभव, उसने क्या बोल दिया डी के कितने मान संभव है, ना न्यूनतम ना अधिकतम, कितने पूछा उसने। ठीक है जी, तो क्या करेंगे डी से विभाजित किसी संख्या को, तो अपन क्या करते हैं पहले कोई संख्या मान लेते हैं, मान लो एन है, एन को डी से डिवाइड कर रहे हैं तो शेष कितना आ रहा है, तो शेष जो है ना वो शेष आपका 10 आ रहा है, कितना आ रहा है 10 आ रहा है। अगर एन स्क्वायर को डी से डिवाइड करेंगे तो शेष कितना आ रहा है, तो शेष बच रहा है 4, तो शेष कितना बच रहा है 4। अब जो भी एक्टिविटी हम भैया शेष के साथ परफॉर्म करते हैं, संख्या के साथ परफॉर्म करते वही शेष के साथ करते हैं यहां संख्या का स्क्वायर हुआ तो शेष का स्क्वायर कर देंगे तो 10 का स्क्वायर बटे कितना डी, तो 10 का स्क्वायर कितना होता है भैया 100 बटे कितना डी। अब डी से 100 में भाग दिया तो 4 शेष बचा, इसका मतलब 96 कट गया, 4 शेष बच गया, तो जो डिविजर होगा ना वो क्या होगा 96 का गुणनखंड होगा,
तो 96 के ऐसे उदाहरणखंड पता करो जो 10 से बड़े हों। तो पहला 12, भैया 12 से कट जाएगा 96। 16, 18 से नहीं कटेगा। 24, हैं जी 24 से कट जाएगा। 32, 48 और 96, ठीक है जी। 12, 16, 24, और कोई ऑप्शन है क्या? तो ऑप्शन में कितने? 12, 16, 24, 32, 48, 96। क्या कोई और नंबर मिसिंग है? क्या और कोई ऐसा गुणनखंड है जो 96 को काट रहा है 12 से बड़ा? 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। तो कितने पॉसिबल भैया? पेयर 6 पॉसिबल है क्या? कितने पॉसिबल है? 6 पॉसिबल है क्या? ठीक है जी। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी आंसर करेक्ट हो जाए। क्या सी? तो 6, डी की 6 वैल्यू पॉसिबल है। कितनी? डी की 6 वैल्यू पॉसिबल है, ठीक है जी। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 6। क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक संख्या n जिसे एक भाजक d से विभाजित किया जाता है, तो शेष 52 देता है। लेकिन जब 7n को d से भाग देते हैं तो शेष 4 आता है। डी के कितने मान संभव है? क्या बोला? डी के कितने मान संभव है? तो फिर गुणनखंड सोचना पड़ेगा अपने को भैया। संख्या एन को, तो देखो संख्या एन को डी से भाग देते हैं भैया, संख्या एन को डी से भाग देते हैं तो शेष कितना बच रहा है? तो शेष 52 बच रहा है। कितना बच रहा है? 52। अब 7n को भाग दो डी से, तो 7n को डी से भाग दिया तो शेष कितना बच रहा है? तो शेष बच रहा है 4। कितना बच रहा है भैया? 4। शेष कितना बच रहा है? 4, ठीक है जी। अब शेष जब 4 बच रहा है तो अपन क्या करेंगे? संख्या के 7 गुना में करके शेष में 7 गुना कर देंगे। तो 52 का क्या कर दो? 7 गुना कर दो। तो कितना हो रहा? डी से दे दो भाग, तो 7 दूनी 14, हाँ से लेख 57 35 और 1 36। अब 4 बच रहा है शेष, तो 360 हिस्सा कट रहा होगा, 360 कट रहा होगा। तो 360 के जो गुणनखंड हैं कितने हैं वो पता कर लो आप। और वो बड़ा किससे होना चाहिए? 52 से बड़े होने चाहिए। किससे बड़े? 52 से। तो भैया 60 को, 360 को काटने वाली संख्या कौन सी है? तो 52 से जस्ट बड़ी एक तो 60 काट सकती है, 72 काट सकती है, 90 काट सकती है, 120 काट सकती है, 180 काट देगी और 360 काट देगी। तो कितने पेयर पॉसिबल हैं? ये छह छह वैल्यू संभव है। कितनी वैल्यू? 6 वैल्यू। तो कौन सा ऑप्शन? कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। क्या कॉन्सेप्ट समझ में आया जी? चलते हैं अगले सवाल की तरफ। जब किसी संख्या को एक निश्चित भाजक द्वारा विभाजित किया जाता है तो शेष 46 आता है। यदि किसी अन्य संख्या को उसी भाजक से विभाजित किया जाता है तो वह शेष 31 छोड़ देता है। दोनों संख्याओं का योग उसी भाजक से विभाजित किया जाता है तो यह शेष 19 देता है। भाजक का पता लगाएं। देखिए, जब किसी संख्या को एक निश्चित भाजक द्वारा विभाजित किया जाता, कोई संख्या है, यदि किसी अन्य संख्या को, तो संख्या दो होगी भैया, पहली संख्या एन मान लो, निश्चित भाजक डी मान लो, ठीक है। तो शेष कितना दे रहा है? ये शेष दे रहा है 46। कितना दे रहा है? शेष आ रहा 46। और किसी अन्य संख्या को, तो दूसरी संख्या मान लो, इससे विभाजित कर दे तो शेष कितना आ रहा है? तो शेष 31 छोड़ देती है। कितना छोड़ दे रहा है? 31 शेष। यदि दोनों संख्याओं का योग इन दोनों को जोड़ दिया तो n1 प्लस n2 को d से किया डिवाइड तो शेष कितना आ रहा है? तो शेष 19 आ रहा है। शेष कितना रहा? 19 आ रहा है। तो आप क्या करो, अगर संख्याओं को जोड़ा तो शेष को जोड़ दो, तो इन दोनों को जोड़ दो, 40 और 31, 4 3 77, तो 77 बटे डी,
ऐसा करने से शेष 19 बच रहा है। अगर शेष 19 बच रहा है इसका मतलब ये हुआ कि 77 में से 19 घटाओ तो कितना बच रहा है, 58 बच रहा है, यानी 58 कट रहा होगा, 58 कट गया ना तभी तो 19 बचा, तो 58 हमारा आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। कौन सा, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर भी है कॉन्सेप्ट। इस नंबर को देखिए, 3 की घात n, 3 की घात 12, 3 की घात 15, 3 की घात n, ये सब प्लस में है, जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, और ये एक क्यूब है। क्या है, ये एक क्यूब है, या इसको क्यूब करने के लिए n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, नेचुरल वैल्यू। n एक प्राकृतिक संख्या है, ठीक है जी। क्या है, n एक नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो उसने पूछा n की वैल्यू, तो देखो क्यूब का जो जनरल फॉर्मेट होता है, कोई भी संख्या की पावर अगर 3 के मल्टीपल में है ना, या 1 की पावर 3, 1 की पावर 6, 1 की पावर 9, तो एक कह सकते हैं 1 की पावर 3 के फॉर्म, इस फॉर्म की सभी संख्या क्या होती है, क्यूब होती है। क्या होती है, क्यूब होती है। या फिर अगर 2 प्रोडक्ट मल्टीप्लाई कर दिए, a इंटू 3k और b इंटू 3c, तो इसका जो रिजल्ट है वो भी क्या होगा, वो भी क्या होगा, एक क्यूब ही होगा, क्यूब इंटू क्यूब ऑलवेज क्यूब, ठीक है। तो ये नंबर भी क्यूब है, तो उसने कहा n की मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो ध्यान से देखो, अब इसको कैसे करा जाए सोचो पहले। तो यहाँ पे कॉमन क्या है, कॉमन क्या है, तो आप कहोगे सर 3 की घात 9 कॉमन है क्यूब में, तो ये तो क्यूब हो गया ना। यहाँ कितना बचा, 1, यहाँ कितना बचा, 3 की घात 3, यहाँ कितना बचा, 3 की घात 6, यहाँ कितना बचा, 3 की घात n-9। क्या ये वाली बात समझ आ रही है आपको, हमने क्या करा, 3 की घात n कॉमन ले लिया। अच्छा 3 की घात 9 ही क्यों लिया, क्योंकि ये परफेक्ट क्यूब है, बड़ा है, इसमें कॉमन लिया जा सकता है, ठीक है। अब इसको अगर हम क्यूब बना देंगे किसी तरह तो हमारा काम हो जाएगा, है ना। तो 3 की पावर n, ये कितना हो गया, 1, ये 27, ये कितना हो जाएगा, 9 का क्यूब 729 प्लस 3 की पावर n-9, ठीक है जी। इसको जोड़ो कितना हो रहा है, 729 31 27 757 प्लस 3 की पावर n-9। अब ध्यान से समझना आप, देखिए ये ऑलरेडी परफेक्ट क्यूब है, अब इस पूरे को क्यूब बनाना है तो ये भी परफेक्ट क्यूब होना चाहिए। अब 757 ये नंबर ऐड है, 757 ये नंबर ऐड है, और ये अगर परफेक्ट क्यूब है तो 757 से जस्ट बड़ा परफेक्ट क्यूब कौन सा है। तो आप कहोगे 9 का तो 729 है, और 9 के बाद 10 आता तो 1000, तो ये कहीं ना कहीं इसको 1000 बना दो, आप क्या कर दो, इसको 1000 बना दो। तो क्या करेंगे अपन, तो क्या करेंगे अपन, इसको 1000 बना देंगे। कैसे बनाएंगे, 757 प्लस 3 की घात n-9 बराबर कितना, 1000, ठीक है जी, कितना 1000। तो 3 की पावर n-9 कितना हो जाएगा, 1000 में से 757 घटाओ, 243, ठीक है जी। अच्छा 243 को क्या लिख सकते हो आप, 3 के फॉर्मेट में, 3 की घात कितना लिख दे इसको, 3 की घात 6 लिख दे, ठीक है जी। 3 तिर के 9 27 81, 3 की घात 5 ज्यादा हो जाएगा ये, 3 की घात कितना 5 81 या 243। अब देखो बेस बराबर है तो पावर इक्वल हो सकती है, तो n-9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 14। तो n की वैल्यू जब आप 14 पुट करोगे तब जाके ये नंबर क्या होगा, परफेक्ट क्यूब बनेगा। तो क्या आंसर, 14 जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ भैया, ठीक है। तो रिमाइंडर थ्योरम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे एसएससी को लेकर के, ठीक है ना, एसएससी के एग्जाम के लिए। तो सेशन अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर अवश्य करें, और कोई डाउट अगर रह जाता है तो आप कमेंट में हमसे पूछें, सारे डाउट आपके क्लियर कर दिए जाएंगे।
तो लेते हैं आपसे विदा, जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।